अभी चाय के बाद कुछ पिया नहीं है और अभी पानी पी लेते हैं और नींबू पानी, थोड़ा सा थकान मिटा लेते हैं। ये आगे जामा मस्जिद, ये जामा मस्जिद है और इसकी कहानी भी पुरानी है पूरी। इसका टिकट लेना पड़ता है, 25 रुपये टिकट लगता है अभी इधर का, ये जामा मस्जिद का। और ये देखो पुरानी बैग मेरे, और ये देख लीजिए गुम्बद। नहीं बस, थैंक यू। गढ़वी है, हाँ जी, और मैं आपको ये विलेज ग्रुप विजिट कराऊंगा। हाँ जी, हाँ जी। तो देखिए हम अभी मस्जिद के अंदर हैं। हाँ जी। इस इमारत को जामे मस्जिद के नाम से जाना जाता है। हाँ जी। मॉस्क तो आपने पहले भी विजिट किए होंगे। हाँ, विजिट किया हुआ है ना जी। तो क्या एविडेंस है कि हम किसी इमारत को मस्जिद कह सकते हैं, किस आधार पर मस्जिद कहेंगे? देखिए मॉस्क के बाहर वाली साइड पर ना, जहाँ से हमने एंट्री की, हाँ जी, वहाँ पर राइट और लेफ्ट मीनार होना चाहिए। अच्छा। मॉस्क में जब आप एंट्री करेंगे तो उसकी वॉल से कनेक्टेड होता है वाटर टैंक, जिसे वजू कहते हैं। वजू कहते हैं। ये दोनों चीजें यहाँ नहीं है। हाँ जी। क्योंकि एक्चुअल में बिल्डिंग भी मॉस्क नहीं है। हाँ जी। ये था दीवाने आम, जहाँ राजा भोज का लोकल दरबार लगता था। हाँ जी। अब 11th सेंचुरी में जब यहाँ दरबार लगता था, तब मांडो की जनसंख्या थी 9,32,000। 9,32,000 थी उस टाइम पे। तब दिल्ली की पॉपुलेशन 6 लाख थी। अच्छा, तो यहाँ दिल्ली से ज्यादा पॉपुलेशन थी मांडो में, तो 9 लाख लोग तो यहाँ बैठ नहीं सकते। हाँ जी। तो जो आवाम बिल्डिंग के बाहर खड़ी रहती थी, उन तक विदाउट इलेक्ट्रिसिटी डिसीजन पहुँचने के लिए, हाँ जी, ऊपर ये 102 गुंबदें बिल्ड की गई थी, लेकिन प्रेजेंट में 96 अवेलेबल है, क्योंकि इसका ये राइट वाला वॉल और फ्रंट वाला वॉल डिस्ट्रॉय हो चुका है। अच्छा, वो डिस्ट्रॉय हो गया। जब भी कोई यहाँ डिले होता था, हाँ जी, सिंहासन के नीचे खड़े हुए शख्स को दरबान कहते थे, वो दरबान इस कंडीशन में हेलो करके मैसेज को स्टार्ट करता था। अब ये हेलो वहाँ फर्स्ट में आसानी से पहुँचता था। अच्छा, पहुँच जाता था। वहाँ पर खड़ा हुआ सोल्जर तो उसी मैसेज को फिर रिपीट करता था। हाँ जी। वो आवाज इको होती थी और इको के माध्यम से बाहर खड़ी जनता को पता चलता था कि दरबार में क्या निर्णय है। हाँ जी जी। 1405 से 1435 में जब मालवाई सुल्तान हौसंग शाह का टाइम रहा था, उस समय मुस्लिम कम्युनिटी के लोग बहुत ज्यादा थे जी, तो नमाज अदायगी की प्रॉब्लम होने लगी। तब हौसंग शाह ने, मालवाई सुल्तान ने, इस दीवाने आम को मस्जिद में कन्वर्ट किया। अच्छा। तो बिल्डिंग को अगर फाउंडेशन से चेंज करते तो बहुत वक्त लग जाता। हाँ जी। तो उन्होंने केवल बिल्डिंग का आर्किटेक्चर चेंज किया ताकि बिल्डिंग दूर से या टॉप से देखने पर मस्जिद दिखाई दे। हाँ जी। तो ये अभी मस्जिद ही दिखाई देता है, लेकिन एविडेंस के तौर पर जैसे मॉस्क में कभी भी लेडीज अलाउड नहीं रही। हाँ जी, हाँ जी। आप राइट और लेफ्ट देख सकते हैं, बालकनीज बनी हुई है। हाँ, बिल्कुल बनी हुई है। अब ये बालकनीज किसके लिए हुआ करती थी? लेडीजों के लिए। अच्छा। और अगर मस्जिद है तो फिर लेडीज से नहीं होनी चाहिए थी। अच्छा, ऐसे बालकनी भी नहीं होनी चाहिए। हाँ थी जी, हाँ जी। क्योंकि बालकनीज तो उनके लिए अवेलेबल होती थी जब दरबार लगता था और उनकी रानियों को अंदर आने की अनुमति होती थी। हाँ जी। लेकिन सेंटर पॉइंट पर नहीं। हाँ जी। उनके लिए राइट और लेफ्ट बालकनी बनाई जाती थी, जो आप देख पा रहे हैं। हाँ जी। मॉस्क के सामने केवल एक प्लेन वॉल होती है, उस पर ना तो कोई कलर, सिग्नेचर, आर्किटेक्चर, नक्काशी कुछ नहीं होता। हाँ जी। सिंपल और प्लेन वॉल होती है, बट आप यहाँ देखिए, यहाँ पर काफी सारे आर्चेस बने हुए हैं। हाँ जी। तो ये आर्चेस उनके मिनिस्टर लोगों के बैठने के लिए हुआ करते थे। हाँ जी। और सेकेंड एविडेंस की अगर ये मस्जिद है तो मस्जिद के सेंटर पॉइंट पर सिंहासन होना चाहिए, जहाँ वो खुतबा पढ़ते हैं। ये वाला सिंहासन है? हाँ जी। अच्छा, ये सेंटर नहीं है? ये सेंटर नहीं है क्या? सेंटर इधर पड़ता। हाँ, तो सेंटर से थोड़ा किनारा पे करा था जी। तो ये इससे पता चलता है कि ये बाद में बनाया गया। हाँ जी। क्योंकि स्टार्ट में अगर बनाते तो सेंटर में ही। हाँ, यहाँ पे होता। तो ये क्या चीज़ है जो बीच में बनाया सेंटर में? ये मिनिस्टर लोगों के बैठने के लिए है। हाँ, स्टार्ट में राजा भोज का सिंहासन यहाँ लगता था। राजा भोज का सिंहासन यहाँ लगता था पहले, और बाद में फिर यहाँ पे नामचीन नमाज अदायगी करवाते थे, और शुक्रवार के दिन जो खुतबा अदा होता है, हाँ जी, वो ऊपर किया जाता था। अच्छा। इसलिए सिंहासन का यूज किया जाता था। लेकिन कुल मिलाकर सारे एविडेंस यही बयां करते हैं कि बिल्डिंग मॉस्क नहीं था, इसे मॉस्क में कन्वर्ट किया गया। बाहर आपने जो बिल्डिंग देखा, हाँ जी, साइड पर, हाँ जी, आप देखकर आए ना? हाँ हाँ। उसे अशोक पैलेस कहते हैं, विजय स्तंभ बोल रहे थे। हाँ जी। विजय स्तंभ था। हाँ जी। अच्छा। तो विजय स्तंभ कहने का पर्पस ये रहा था कि 1448 में राणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ से मंगल प्रतीक किया था। हाँ जी, हाँ जी। और राणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ लौटकर उनकी जीत की खुशी में विजय कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था। चित्तौड़गढ़ में फेमस है। हाँ जी।
अशद कलश कहने का पर्पज था 1670 में जहांगीर और नूर जहां फर्स्ट टाइम आंडू विजिट के लिए आए थे, तब ये अशरफ पैलेस का लेफ्ट वाला हिस्सा जो था ये थर्ड फ्लोर में रहा था। अच्छा, तो जहांगीर ने उनकी क्वीन से रिक्वेस्ट किया कि आइए हम इसके थर्ड फ्लोर पर जाकर मांडू का व्यू देखेंगे। हाँ जी। बट बेगम ने बिल्डिंग के हाइट को देखकर इनकार कर दिया। अच्छा, तो जहांगीर ने एक शर्त लगाई कि अगर आप टॉप तक चलेंगी तो हम आपके हर एक स्टेप पर एक गोल्ड कॉइन निशावर करेंगे। अच्छा, तब बेगम ने ये किया। हाँ जी। वो टॉप तक गए, टॉप से मांडू का व्यू देखा। हाँ। और लौटते समय नूर जहाँ ने हर सीढ़ी से वो कॉइन कलेक्ट करके नीचे खड़े गरीब लोगों में बांट दिए। अच्छा, तभी से उस पैलेस को गोल्ड कॉइन पैलेस कहते हैं। गोल्ड कॉइन पैलेस 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 ठीक है। यूनिवर्सिटी रहा था वो संस्कृत का, जैसे तक्षशिला और नालंदा है। तक्षशिला और नालंदा संस्कृत यूनिवर्सिटी है ना। हाँ जी जी जी। तक्षशिला का नाम श्री श्री 108 महावीरा यूनिवर्सिटी हुआ करता था। हाँ जी। बाद में 1436 में महमूद खिलजी ने उसे फारसी के मदरसा में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा। 1469 में महमूद खिलजी की डेथ होने पर उसको ऊपर ही दफन किया। तो ऊपर आपने महमूद खिलजी का टॉम्ब भी देखा होगा। हाँ। सेंटर पर लिखा है महमूद खिलजी टॉम्ब जो ओरिजिनल। हाँ जी। व्हाइट मार्बल की फर्स्ट बिल्डिंग है इंडिया में। हाँ जी। जिसे होसंग शाह गोरी ने बनवाया था। अच्छा, ये टॉम है। हाँ जी। होसंग शाह गोरी ने अपने जीते जी इस मकबरे को बनवाया था, क्योंकि इतिहासकारों का मानना है। हाँ जी। कि होसंग शाह ने उनके पिता दिलावर खान गोरी को जहर देकर मार दिया था मालवा के राज्य के लिए। अच्छा, इसीलिए उन्हें उनकी संतान महमूद शाह पर भी यकीन नहीं था। हाँ जी। तो होसंग शाह ने, हाँ जी, अपने जीते जी इस टॉम को बिल्ड करना स्टार्ट किया। हाँ जी। 1405 में 1435 में उनकी डेथ हो जाने के बाद, हाँ जी, 1436 से 1469 तक महमूद खिलजी ने इस टॉम को कम्प्लीटली बिल्ड किया। अच्छा, तो माना जाता है कि शाहजहां ने अपने कुछ बेस्ट आर्किटेक्चर से, जैसे आर्किटेक्चर हमीद लाहौरी और उनकी टीम को ताज को बिल्ड करने से पहले यहां पहुंचाया था। हाँ जी। उन्होंने इसका विजिट किया, फिर ताज को बिल्ड किया। अच्छा, पहले इसका विजिट किया उसके बाद ताज बनाया। हाँ जी। तो सेम ना बनाते हुए चेंज किए ताज में। अच्छा। तो ताज में बाहर वाली साइड पर चार मीनार बनाए गए। हाँ, चार मीनार बनाए हैं और इसमें टॉप पर चार छोटी छोटी गुंबदें बनी हुई हैं। अच्छा, इसमें गुंबद बनी है चार। हाँ। चलो वो भी देख लेते हैं गुंबद। तो इसको बोलते हैं क्या यहाँ पे वैसे? होसंग शाह गोरी का मकबरा। अच्छा, होसंग शाह गोरी का मकबरा है। अच्छा, ये होसंग शाह गोरी का मकबरा है जो आप देख रहे हैं। ये होसंग शाह गोरी का मकबरा है, इसको देख के ही ताज बनवाया गया था। और ये मकबरा है होसंग शाह गोरी का। अंदर की प्रॉब्लम बनी हुई है। हाँ जी। इतिहासकारों का मानना है कि ये ओरिजिनल नहीं है। अच्छा, ओरिजिनल नहीं है। जो ओरिजिनल है वो नर्मदापुरम में गर्ल्स कॉलेज के पीछे नर्मदा रिवर के कॉर्नर पर है, जिसे बाद में होशंगाबाद का नाम दिया गया। अच्छा। तो ये ऊपर जाने के लिए कुछ बनाया गया इधर से? हाँ, तो बंद कर रखा। अच्छा, बंद कर रखे हैं। तो ये ऊपर गुंबद में जाने के लिए ऐसा है? ये पूरा संगमरमर का है ना? ये तो ये पूरा संगमरमर का बना है। अच्छा जी, तो बढ़िया है। इंडियन आर्किटेक्चर में बना हुआ ये धर्मशाला। हाँ जी। ये बाहर त्रिशूल, अंदर हाथी की सूंड, कमल का फूल। हाँ जी। ये सारा इंडियन आर्किटेक्चर है। इससे पता चलता है कि ये दीवाने आम का ही पार्ट रहा होगा। अच्छा। 11th सेंचुरी में। अच्छा, दीवाने आम का पार्ट था ये अंदर। हाँ जी, सेंचुरी। और अंदर ही कॉन्फ्रेंस हॉल है। अच्छा, कॉन्फ्रेंस हॉल है अंदर, जहाँ 1000 लोगों को एक साथ संबोधित किया जा सकता है। तो कॉन्फ्रेंस हॉल दिखा देता हूँ मैं। अंधेरा है थोड़ा सा, और एक कॉन्फ्रेंस हॉल है यहाँ पे। कम से कम 1000 लोग आ जाते थे। 1000 से ऊपर आ जाते थे। ज़्यादा है ना? ज़्यादा आते थे। तो जब भी अटैक होता था, हाँ जी, वो अपनी सेना को युद्ध नीति, रणनीति और मोटिवेट यही करते थे कि कैसे युद्ध लड़ना है। अच्छा, युद्ध की रणनीति यही बनवाते थे तब। हाँ जी, है ना। तो युद्ध की रणनीति यहीं से बनती थी। और ये कॉन्फ्रेंस रूम दिखा दिया मैंने आपको, प्राचीन काल का।
ये कॉन्फ्रेंस रूम से निकल गए बाहर।